जो कई लोग जीवन से निराश हो जाते हैं, जो रोगी जैसे कैंसर, ऐसे रोगों को ठीक किया इन्होंने, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आज डॉक्टर हरिमन जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी ने एक बुक का इनॉग्रेशन विमोचन करवाना चाहते हैं मंत्री जी से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से सर मान जी, हमारे साथ पंडित योगेंद्र महंत जी हैं जो पूर्व राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, उनको भी मैं चाहूंगा कि वो मंच पे आए। जय नारायण सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज इस बुक को विमोचित करने में। ये हेल्थ से रिलेटेड बुक है जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों को आगे स्वास्थ्य में कृपया हौसला अफजाई जरूर करते रहे। जैसा कि मैंने पहला कि 200 साल पुराना सिस्टम क्लासिकल होम्योपैथी है, जिसमें ये सब बातें चलती थी जो आप अभी आप मुझसे पूछ रहे थे, इसीलिए इस सिस्टम को चेंज करने की बहुत ही ज्यादा सख्त आवश्यकता थी। इसलिए हमने रिसर्च किया और दुनिया को वो होम्योपैथी लाने के लिए हमने एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे वो चीज दी जो वो चाहते थे। जैसे आपने कहा कि उसमें परहेज बहुत होते हैं, हमने परहेज हटा दिया, हमने दवाइयों के पावर को बढ़ा दिया। होम्योपैथी में जब मेडिकल साइंस कहता है कि होम्योपैथी दवाइयां सेफ होती है, तो क्यों ना हम इसे फास्ट कर दें। अगर स्लो है तो फास्ट कर सकते हैं, अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो उसको फास्ट करने से तो इसका इफेक्ट और ज्यादा अच्छे से हो सकता है। तो इसके लिए जो रिसर्च किया गया, इसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी जो कंसेप्ट है, जिसको मैं भविष्य की होम्योपैथी के रूप में आगे भारत के नाम से जरूर इस दुनिया में कहीं ना कहीं हम हमारी पूरी उम्मीद और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहा, तो निश्चित रूप से हमारे देश में मेरी पूरी इच्छा और महत्वाकांक्षा है, जिसे आप लोगों का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी है, कि हम इस रिसर्च को WHO को सबमिट करेंगे और एक ऐसी होम्योपैथी जिसमें कंप्लीट क्योर, इसका मतलब जड़ से हम इस प्रॉब्लम को समाप्त करें, चाहे वो किसी भी प्रकार की 300 प्रकार की बीमारियां हो, जो खास करके क्रिटिकल से क्रिटिकल जो डॉक्टर साहब ने कहा, जैसे कि कई बीमारियों में जिसमें मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है, जिसमें वो परहेज या प्रिवेंशन पे जा रहे, उसमें भी हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट देकर उसका रिस्पॉन्स ला सके रिपोर्ट्स पर। दूसरी बात, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का नेचुरल और सेफ और फास्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथी से देकर सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट को दुनिया में ला सके, जिसका नाम मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में भारत का नाम जा सके। ठीक डॉक्टर अनुज, एक आखिरी सवाल आपसे कि जब दांतों की बात आती है और जिन चीजों से हम दांतों की बढ़ा रही है और किस तरीके से लोगों का विश्वास जीत रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD इन होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि होम्योपैथी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, दोस्तों होम्योपैथी का जन्म हुए करीब 200 से 250 साल हो चुका है, लेकिन चूंकि होम्योपैथी का जो जन्म हुआ था वो क्लासिकल होम्योपैथी के तौर पे हुआ था और वो वर्ल्ड वाइड जो अभी तक जाना जाता है वो जर्मनी से जो इम्पोर्टेड होम्योपैथी है हम उसको मानते हैं, जिसे हम क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जान रहे हैं। अब चूंकि होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ था, समय के साथ कई डॉक्टर्स ने इसमें रिसर्च करने की कोशिश की और उन्होंने अपना अपना कहीं ना कहीं योगदान भी दिया। आज वर्ल्ड लेवल पे हम बात करते हैं, तो चूंकि आज 10 अप्रैल पे हम बात कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है, तो होम्योपैथी में जिस तरीके से सभी डॉक्टर्स ने अपना अपना योगदान दिया, हमने उस कंसेप्ट को चेंज किया। हमने ये सोचा कि होम्योपैथी को कोई ना कहीं ना कहीं कुछ उस लेवल पे लाया जाए कि जो क्रिटिकल केस हैं, सर्जिकल केस हैं, आखिरी स्टेज के जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट के, जो कोमेटॉस पेशेंट के जो केस होते हैं, या ऑटोइम्यून बीमारियों के केस हैं जिसपे कह सकते हैं कि बॉडी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कमजोर हो जाता है और जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियों पर या जीवन भर चलने वाली बीमारियों पर रिसर्च किया जाए। और दोस्तों जब भी कोई रिसर्च होता है तो डेटा जनरेट होना बहुत जरूरी होता है, तो चूंकि होम्योपैथी में जो पहले का जो डेटा जनरेशन का जो प्रोसेस था बहुत स्लो था, या एक तरीके से बहुत ही कम लेवल पे हम उसको देखने में आता था, जिसके कारण उसका जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता था, तो जो नए डॉक्टर्स की टीम आई उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि WHO को अगर हमें कोई चीज सबमिट करना है तो डेटा देना पड़ेगा, इसलिए होम्योपैथी में इन्वेंशन हमने किया मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से, जिसका नाम दिया सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट एविडेंस बेस्ड सिस्टम। चूंकि हम एविडेंस के हिसाब से कोई भी 300 प्रकार की बीमारियों पे 3000 से ज्यादा पेशेंट का डेटा अगर हम किसी संस्थान को देते हैं, WHO को देते हैं, तो निश्चित रूप से होम्योपैथी का प्रोग्रेस होता है और होम्योपैथी की जो वैलिडिटी है वो लोगों में एक्सेप्टेंस में आ पाती है। तो ये हमारा प्रयास है कि होम्योपैथी को हम आगे बढ़ें और एविडेंस बेस्ड सिस्टम के साथ आगे बढ़ें। डॉक्टर अनुज, ओरल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, दांतों की सेहत की बात करते हैं,
उस पर लोग शायद उतना ध्यान नहीं देते थे, उसमें कितना बदलाव आया है कोविड के बाद और क्या स्थितियां बदली, और आपका जो संस्थान है कैसे लोगों की सेहत में अच्छा कर रहा है और लोगों को ओरल हेल्थ के बारे में और ज्यादा जागरूक कर रहा है। तो मैं न्यूज़ नेशन